हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब लोग अच्छे हैं। और मेरे घर पे भी बहुत ज़्यादा शोर है, बस ये जगह ढूंढनी पड़ेगी जहाँ मैं शांति से ब्लॉग स्टार्ट कर सकूँ। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब लोग अच्छे हैं। तो आज है राखी का दिन और आप सभी लोगों को राखी की यानी कि रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो मैं भी आज घर आई हूँ रक्षाबंधन के लिए और राखी तो बांधेंगे, इसके अलावा थोड़ा अलग तरीके से यहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है मेरे गांव में। पीछे बहुत शोर है, सो सॉरी, इतने लोग और बच्चे हैं ना। तो अभी क्या होगा कि हमारे गांव में देवता आते हैं रक्षाबंधन के दिन पे, मतलब पूरी गाँव के लोग इकट्ठा होते हैं, छोटा सा गेट टुगेदर होता है, सभी लोग आएंगे गाँव के एक जगह पे, वहाँ पे सिड्डू बनते हैं खाने के लिए और सी चीज़ें भी होती है। फिलहाल मैं आपको इतना बता देती हूँ कि देवता जी आने हैं, उसके बाद सारी चीज़ें शुरू होनी है। धीरे धीरे करके मैं आपको सब कुछ बताऊँगी कैसे कैसे क्या क्या होना है। और अभी सभी लोग तैयार हो रहे हैं, मैंने भी तैयार होना है और पीछे आप लोगों को शोर से पता चल रहा होगा कि कितने लोग आए हैं और कितना ज़्यादा शोर है। तो मैं अपना व्लॉग स्टार्ट करती हूँ और आगे तक ज़रूर बनी रहें। वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। हेलो बाबू, तुम किसको देखकर मुस्कुरा रही हो? मैं तो कहता हूँ। नहीं नहीं, आप शीशे में देख के कुछ तो कर रहे थे। मैं अभिषेक निवास को देखती थी। अच्छा अच्छा, ओके। तो हम लोग सभी तैयार होके बाहर आ गए क्योंकि जो रास्ता दिखाऊंगी अभी मैं, यहाँ से देवता जी आएंगे और आवाज आ रही है जो बजाने की, करनाल, हाँ उसको बजाने की आवाज आ रही है ऊपर से। तो मैं आपको अभी दिखाती हूँ, यहाँ से आएंगे देवता जी नीचे रास्ते से। ये माला रही जिससे कि उनके उनका स्वागत करने वाले हैं हम। और ये फूल लगाए हैं मैंने कल, ऐसे ना एक देगा ना अभी। आज तो मासी के साथ शिमला चलोगे? आ मेरे बाल, कहाँ जा रहे हो आप? मैं भी शिमला, तो शिमला जा रही हूँ, चलोगे? ना। क्यों? तो देखो आप लोगों को आवाज शायद आ रही होगी थोड़ी थोड़ी, पहुंचने वाले हैं। और ये पेड़ देखो कितना बड़ा है, कितने साल पुराना होगा ये। देवता नानू आ गए, इनका व्रत हो गया। चलो सभी लोग अब यहाँ पे स्वागत करेंगे देवता जी का। तो यहाँ नीचे जो मंदिर है ना, थोड़ा सा आपको छत दिख रहा होगा यहाँ नीचे, वहाँ पे देवता जी भी जा रहे हैं और हम लोग भी साथ में अभी नीचे जाएंगे। पहले राखी बांधने के लिए जाएंगे भैया के पास, उसके बाद नीचे वहाँ पे दिख भी रहा है खाना कुछ बन रहा है, हल्का हल्का नज़र आ रहा है ज़्यादा नहीं। तो वहाँ पे खाने का अरेंजमेंट है और साथ में यहाँ पे मंदिर में देवता जी रहेंगे। तो अभी देवता जी को गांव लेके, गांव की ओर ले गए हैं और मंदिर में, जो गांव में मंदिर दिखाया था मैंने, तो हम लोग भी अब जाते हैं। लेकिन जो स्वागत होना था उनका, वो सारी चीज़ें शायद मैं मिस कर लूँगी क्योंकि हम लोग लेट ही जा रहे हैं यहाँ से। तो ये रहा मंदिर, आपको थोड़ा थोड़ा दिख ही रहा होगा, लोग भी दिख रहे हैं वहाँ पर। बस हमने यहाँ जाना है, अब सभी लोग यहाँ से नीचे जाएंगे, पहले देवता जी से मिलेंगे, उसके बाद राखी बांधने के लिए निकल जाएंगे यहाँ से। खुद गिर जाना पर निवास नहीं गिरना चाहिए। तो अभी हम पहुंच गए हैं और बैठे हैं, तो सभी लोग आपस में बात कर रहे हैं, सबसे हम मिल रहे हैं और इसके बाद पूजा वगैरह बहुत कुछ होना है। अभी पहले हम खा पी लेते हैं कुछ। चाय, बिस्किट, नमकीन है, अभी हम पहले ये खा लेंगे। खाना तो पूजा करने के बाद ही मिलता है।
डाकू मंगल सिंह ये कौन है? खुश हो गया, दिखते कौन है ये? ये क्या हुआ? ये क्या हुआ? तो ये रहा प्रसाद, अभी पूजा खत्म हुई है और सभी को प्रसाद बांट रहे हैं। इसके बाद अब खाना शुरू हो जाएगा, अब खाना देना शुरू कर लेंगे। तो खाना मिलना शुरू हो गया है और जो दूर के लोग हैं, जिन्होंने दूर जाना है, पहले उनको खाना दे रहे हैं और जो गांव के लोग हैं फिर वो बाद में खाना खाएंगे। तो अब बस खाना शुरू हो गया है और अब हम भी खा लेंगे कुछ देर में। तो अभी हम सब कुछ करके फ्री हो गए, मतलब सिर्फ खाना खाने को रह गए हैं। और सबसे पहले जो दूर जाने वाले हैं वो लोग खाना खा रहे हैं। तो सभी लोगों ने खाना खा लिया, अब बस हम रहते हैं। मैं थोड़ा नीचे तक हैंड वॉश करने आई थी, तो अभी हैंड वॉश करती हूँ, उसके बाद खाना खाते हैं और फिर हम घर चले जाते हैं। बहुत थक गए हैं, 2:30 बज गए, 3 बजने वाले हैं, 3 बज गया शायद, टाइम का मुझे पता नहीं है। और सुबह से कुछ भी नहीं खाया था, थोड़ी भूख भी लगी है। और हमारी ना पतले सिड्डू बनते हैं, मैं आपको दिखाऊंगी जब खाऊंगी कि किस क्या क्या बनता है खाने के लिए और क्या बना है। तो फिर मैं आपको मिलती हूँ खाना खाते हुए। चावल नहीं, तो हर साल रक्षाबंधन पे हमारे यहाँ पतले सिड्डू बनते ही हैं। और मीठे में खीर थी, वो भी बहुत ज्यादा अच्छी थी, पूरा खाना बहुत अच्छा बना था। हेलो, देखी थी पुरानी वीडियो दीदी की? देखी थी? नहीं बता। यहाँ पूर्णिमा भी आई है, हेलो करो। तो अभी खाना खा के मैं ख़त्म हो गई थी, फिर उसके बाद अभी देवता जी जाने हैं और सारे लोग अभी पर बैठे थे। तो मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी, तो मैं पुराने घर आ गई थी, मतलब जो बंद पड़ा है। अभी थोड़ा टाइम यहाँ रहती हूँ, जैसे देवता जी जाएंगे फिर यहाँ से उठ के ऊपर जाएंगे। इसके बाद देवता जी दूसरे गाँव को जाते हैं, तो बस अब उसी की तैयारी हो रही है, उनको ले जाने की तैयारी हो रही है। लेकिन इससे पहले हम थोड़ा डांस करेंगे और उसके बाद देवता जी फिर यहाँ से चले जाएंगे। देवता जी चले गए हैं हमारे गांव से, अब दूसरे गांव जाते हैं। वो मैं दिखा नहीं पाई क्योंकि मेरे पास में अपना फ़ोन था नहीं और देवता जी वो निकल गए थे। तो अब हम थक के बिल्कुल बैठे हैं। आंचल दीदी की तो बैटरी बिल्कुल डाउन होगी, इनकी तबीयत भी खराब है और मैं तो थक चुकी हूँ बिल्कुल। और अभी सारे घर जा रहे, एकदम से सन्नाटा सा हो जाएगा इस गाँव में। सभी जितने भी आए थे अपने अपने घर जा रहे हैं, छोटी दीदी वो भी जा रहे हैं, नमिश निमांश वगैरह। तो अभी हम पहले भैया को राखी बांधने चले जाते हैं सारे, फिर उसके बाद तो मुझे सोना है, मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ। हम जा रहे हैं भैया के घर, बहुत ज़्यादा धूप है यहाँ पे। फिर मैं आपको भैया के घर में मिलती हूँ सीधा। हेलो तो कर लो, हेलो। व्लॉग में आने के लिए बहुत बेताब था। हाँ जी, चलो 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 चलते हैं, ठीक है।
बाय बाय निमांश, बाय दीदी, बाय 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 माशी। सब नवीश निमांश भी चले गए हैं, सब चले गए हैं और आज का दिन भी ऐसे ख़त्म हो गया है। आज के लिए इतना ही, उम्मीद करती हूँ आपको आज का ये ब्लॉग पसंद आया होगा। अगर आपको ब्लॉग थोड़ा सा भी पसंद आया हो, वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ अभी, फ़िलहाल मैं रेस्ट करूँगी और वैसे भी 5 बज गए हैं, क्या ही सोने का तो मेरे पास पूरा टाइम है ही नहीं है। तो अब मैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में मिलूँगी, टिल देन बाय एंड टेक केयर। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छा लगा मेरा ब्लॉग।